हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम एसवी एंड आई एम वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड। यहाँ पर आपको रिलेटेड टू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग एंड रिव्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है हाउ डज योर कैमरा मेक अ फोटोग्राफ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा व्यू फाइंडर कैसे वर्क करता है। तो होता ही है कि लाइट लेंस के थ्रू एंटर होती है और अपर्चरिंग को क्रॉस करते हुए मिरर को हिट करती है और मिरर से लाइट ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होती है और पेंटाप्रिज्म के थ्रू व्यू फाइंडर की ओर जाती है। तो इस प्रकार हमारा व्यू फाइंडर वर्क करता है जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट की फ्रेमिंग करते हैं। जब हम किसी भी पिक्चर को क्लिक करने के लिए शटर रिलीज बटन या कैप्चर बटन को प्रेस करते हैं तो मिरर ऊपर की ओर हो जाता है और लाइट लेंस के थ्रू एंटर होती है और सेंसर को हिट करती है जिससे इमेज सेंसर के ऊपर छप जाती है। तो इस प्रकार हमारा कैमरा वर्क करता है। बट हमें ये देख लेना चाहिए कि सेंसर पे जाने वाली लाइट ज़्यादा ना हो जिससे फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स हो रही है और शेडो बहुत कम है। तो इस प्रकार की फ़ोटोज़ को ओवर एक्सपोज फोटोज़ कहते हैं। और यदि सेंसर पे जाने वाली लाइट कम होगी तो फ़ोटो अंडर एक्सपोज हो जाएगी जिससे फ़ोटो एक ब्लैक टोन में चली जाएगी, वो फ़ोटो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि सेंसर पे जाने वाली लाइट एकदम करेक्ट वैल्यू में हो ताकि एक बहुत ही अच्छी इमेज हम कैप्चर कर सकें, जैसा कि आप ये वाली फ़ोटो देख पा रहे होंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कंट्रोल द लाइट ताकि हम सेंसर में उतनी लाइट एंटर करें जितनी ही हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे कि ना कि फ़ोटो अंडर एक्सपोज हो और ना ही ओवर एक्सपोज हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू।